नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड की 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ में गुजरात बोर्ड के द्वारा 12th बोर्ड की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट की जाएगी। मैं बात करूँगा 12th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, यानी कि जो 12th कॉमर्स पास आउट करने के बाद अप्लाई करेंगे BCom के लिए और BBA के लिए। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो BCom और BBA का कोर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब वो 4 साल का हो गया है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि BBA और BCom के जो फॉर्म है वो कब बाहर आएंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे, इन स्टूडेंट्स कब अप्लाई कर सकेंगे, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए और आपके पास उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से वेबसाइट से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है। ये सब हो जाने के बाद आपके पास जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ये सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2023 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहाँ पर जब लागू की गई तब कहीं ना कहीं जो एडमिशन की स्ट्रेंथ थी, एडमिशन का जो नंबर था वो कम हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो अगर आप सभी लोग अप्लाई करना चाहते हैं MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में BBA के लिए और BCom ऑनर्स के लिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है, कितनी सीट है, फीस क्या होगी। तो इसके लिए मेरे द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जो एवरी ईयर हमारे द्वारा और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा स्टूडेंट्स को हेल्प करने में आती है और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आती है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, BCom के जो फॉर्म है कब स्टार्ट होंगे, BBA के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते समय, साथ साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, उसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या करनी होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ मैं आप सभी को, अगर आप BBA के लिए प्लान कर रहे हो 12th बोर्ड पास करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम से, तो BBA का जो कोर्स होता है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है MSU के अंदर। एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप एलिजिबल हो सकते हो यहाँ पर एडमिशन के लिए। BBA में सिर्फ 200 यानी कि 200 सीट्स हैं और जिन्होंने भी ड्रॉप लिया होगा एक साल का वो अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट ईयर ये ऐसा रूल एक डिक्लेयर किया गया था और लाया गया था, यानी कि आपने 12th बोर्ड की एग्ज़ाम 2023 में पास की होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। जो न्यू क्राइटेरिया है और जो न्यू रूल्स हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, वो सब आएंगे मई या जून में। अगर आप सभी को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसके लिए ग्रुप में जुड़ना ज़रूरी है। साथ साथ में 200 सीट जो BBA के अंदर है उसके लिए कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इन गुजरात इन इंडिया लगभग 2000 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन करते हैं BBA के एडमिशन के लिए और 2000 में से सिलेक्शन होता है सिर्फ 200 लोगों का। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पेपर स्टाइल क्या होती है, 12th बोर्ड के बाद कैसे आप उससे डिफेंस कर सकते हो, तो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है हमारे द्वारा और MS यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ की जो फीस होती है वो बिल्कुल नॉमिनल होती है BCom कोर्स की। तो आप सभी लोग अगर 12th बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं BCom के लिए और BBA के लिए MS यूनिवर्सिटी वडोदरा के लिए, तो जो ग्रुप है ग्रुप में आप जरूर से जरूर और जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ग्रुप की जो लिंक है, इन्फॉर्मेशन ग्रुप की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दी है। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप आपके फ्रेंड को भी सर्कुलेट करें ताकि कोई भी स्टूडेंट्स बाकी ना रह जाए, क्योंकि एवरी ईयर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाते हैं, उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं और फॉर्म भरने में वो बहुत सारी भूल करते हैं, जिसके लिए उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हमारे द्वारा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप की जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दी है और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर MSU एडमिशन आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लें, जिसका नाम है इंस्टाग्राम पेज का FR पंकज जायसवाल। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।